इस बार लोकसभा चुनाव में सेलिब्रिटी का तड़का लगा हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार को लेकर शह और मात का खेल रचा जा रहा है। पूर्वांचल में अपनी पकड़ रखने वाले निरहुआ बीजेपी में शामिल हो गए। रवि किशन ने भी चुनाव लड़ने का दम भरा है। आज हम सियासत में भोजपुरी सितारों की एंट्री और उससे होने वाले नफा नुकसान का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। निरहुआ के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और खबर ये है कि निरहुआ यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो सीट को लेकर कोई बातचीत हुई कि आपने अपनी इच्छा जताई वहां पर? हाँ, मैंने पूछा कि कहां से आप चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो पार्टी डिसाइड करके आपको बताएगी, पर यह है कि आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा, सीएम योगी ने आपको कहा? जी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, पर कहां से लड़ेंगे वो पार्टी डिसाइड करके बताएगी। दिनेश लाल यादव और निरहुआ की गिनती भोजपुरी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार्स में की जाती है। बिहार से लेकर पूर्वांचल तक निरहुआ की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। निरहुआ के अलावा भोजपुरी सिनेमा के और भी कई सुपरस्टार्स हैं जो पहले से सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या भोजपुरी सुपरस्टार चुनाव में लगाएंगे बेड़ा पार? क्या 2019 के रण में स्टारडम का फायदा मिलेगा? एक्टर से नेता बनने वाले वोटर पर कितना असर डाल पाएंगे? और क्या भोजपुरी स्टार्स के जरिए पूर्वांचल साधने में जुटी है बीजेपी? इस आधे घंटे में चुनाव से एन पहले भोजपुरी सितारों की एंट्री का मकसद बताएंगे। पहले बात निरहुआ की। भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार निरहुआ यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। उनका बचपन संघर्ष भरा रहा है। कहते हैं शुरुआती दिनों में निरहुआ का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। साल 2001 में जब एल्बम निकाली तभी से दिन बहुतने लगे। निरहुआ ने भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। माना जा रहा है कि बीजेपी निरहुआ की इसी छवि को आजमगढ़ में भुनाना चाहती है। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आज देश जो है वो जानकार है, हर कोई जानता है किसकी नीयत क्या है। तो ये गठबंधन और इससे कुछ होने वाला नहीं है। सबको पता है कि गठबंधन किस नीयत से हुआ है। हाथ तो मिला है, दिल मिल नहीं रहा है। दिनेश लाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। निश्चित तौर से इनके बारे में पार्टी इनका कैसे बेहतर उपयोग हो, इनकी प्रत्याशिता से लेकर के पार्टी में इनके कैसा इनका सदुपयोग हो, इस पर गंभीरता से विचार करेगी। ये तस्वीरें उन दिनों की है जब निरहुआ ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अटकलें लगाई गईं कि कहीं समाजवादी पार्टी से उनकी खिचड़ी तो नहीं पक रही। हालांकि 2 महीने पहले मनोज तिवारी से मुलाकात की तस्वीरें जारी कर कयासों को शांत कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि निरहुआ को बीजेपी में लाने के पीछे मनोज तिवारी ही है। कुछ ऐसी ही रणनीति आजमगढ़ सीट को लेकर है। आजमगढ़ से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। मोदी लहर के बावजूद मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इस बार पिता की सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आजमगढ़ को यादव बहुत सीट माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जरिए अखिलेश को झटका देने के मूड में है। 23 लाख वोटर वाले आजमगढ़ में 4 लाख यादव वोटर है। 3 लाख मुस्लिम वोटरों की तादाद है। 2,75,000 वोटर जाटव समुदाय से हैं। निरहुआ के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाना साधने में जुटी है। एक तो वो यादव वर्ग से आते हैं, दूसरा पॉपुलैरिटी के लिहाज से कम नहीं ठहरते। कोशिश यही है कि अगर निरहुआ का सियासत में जादू चला तो पूर्वांचल के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। स्वाभाविक है कि भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दर्शक है, बहुत बड़ा वर्ग दर्शक है। तो स्वाभाविक है कि वो दर्शक जब अपने नायक को देखता है मैदान में, राजनीति के मैदान में, तो वो उसके नजदीक जाना चाहता है। वो नजदीक कैसे जा सकता है, उसके पक्ष में मतदान करेगा। तो ऐसे लोग जब प्रचार करने आते हैं तब भी उसका प्रभाव पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ेगा ये कंस्टिट्यूएंसी से कंस्टिट्यूएंसी अंतर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, भोजपुरी फिल्मों में नया ट्रेंड लाने वाले निरहुआ की राजनीतिक एंट्री चुनौतियों भरी है। अगर आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए तो सीधा मुलायम सिंह यादव परिवार के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी होगी। अगर वो कामयाब रहे तो बीजेपी के लिए ये दांव गेम चेंजर हो सकता है। सूतल जब ले शेर रहे तब ले गीदड़ ललकारे, लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, भारत माता की। तो दिनेश लाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और पार्टी उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वीडियो के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ।
तो पूर्वांचल की लड़ाई इस चुनाव में कितनी अहम है उसका अंदाजा ऐसे समझिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। कांग्रेस का किला फतह कराने के लिए प्रियंका गांधी का मिशन जारी है। अब बीजेपी भोजपुरी सितारों के जरिए बेड़ा पार करना चाहती है। निरहुआ के अलावा एक और भोजपुरी सुपरस्टार के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। सब है चुनाव, ये भारत का चुनाव है, ये देश प्रेम का चुनाव है, एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव है जिसको इस बार देश जाने नहीं देना चाहता। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। हमको कभी नहीं मिले ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी, और इस पार्टी के 5 साल पे एक करप्शन का दाग नहीं है। दावा किया कि देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अब रवि किशन ने दम भरा है, वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ताल ठोकने वाले हैं। चुनाव लड़ रहा हूँ, आप चलिए एनआई के द्वारा आप लोगों को बता दें, चुनाव लड़ रहा हूँ, कहाँ से ये पार्टी डिसाइड करेगी जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का। रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ये नहीं बताया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन खबर है बीजेपी गोरखपुर से रवि किशन को चुनाव लड़ा सकती है। एक खबर ये भी है कि जौनपुर सीट से भी रवि किशन को टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रवि किशन दूसरे भोजपुरी सुपरस्टार होंगे जिनके बूते बीजेपी पूर्वांचल के वोटरों पर असर डालने की तैयारी में है। भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन की पहचान बड़े एक्टर के तौर पर होती है, युवाओं में काफी लोकप्रिय है। रवि किशन के इसी स्टारडम को कैश कराने के लिए उन्हें 2017 में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के लिए कई चुनाव प्रचार किए। रवि किशन मनोज तिवारी से करीबी के चलते दिल्ली के एनसीटी चुनाव में भी गली गली घूमते नजर आए। बीजेपी को उम्मीद है रवि किशन गोरखपुर सीट को समाजवादी पार्टी से छीन सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो गोरखपुर में 3.5 लाख निषाद समुदाय के वोटर हैं। यादव और दलित मतदाताओं की तादाद 2-2 लाख के आसपास है। ब्राह्मण वोटर भी करीब 1.5 लाख है। चूंकि रवि किशन पूर्वांचल से ही आते हैं और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा बीजेपी की मंशा यही है कि रवि किशन अपने ठेठ अंदाज से वोटरों का दिल जीत सके। जो लोग बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करता है, और यही कारण है कि उनके समर्थन में आकर के खड़े होते हैं और उनकी जीत को उनके जीत को सुनिश्चित करते हैं। वैसे एक सच ये भी है कि रवि किशन अपनी फिल्मों के जरिए भीड़ जुटाने में माहिर हैं, मगर इसे अब तक वोटों में तब्दील नहीं कर पाए हैं। रवि किशन 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि तब वो तीसरे नंबर पर रहे थे। रवि किशन इसके बाद मनोज तिवारी की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हुए। मनोज तिवारी को इस बार लोकसभा टिकट मिलेगा या नहीं, ये साफ नहीं हो सका है। हालांकि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बीजेपी भी मनोज तिवारी के जरिए काफी हद तक दिल्ली में पूर्वांचल के वोटरों को साथ पाई है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 35% वोटर पूर्वांचल से हैं। इन्हीं वोटरों की बदौलत मनोज तिवारी साल 2014 में दिल्ली में सांसद बन पाए थे। हाल फिलहाल में उन्हें नई भूमिका में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मनोज तिवारी कई भोजपुरी सितारों की बीजेपी में एंट्री कराने में जुटे हैं। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो भोजपुरी सुपरस्टार्स के बीच राजनेता बनने का ट्रेंड पिछले 5 सालों के भीतर काफी देखा गया है। कई अच्छे गाने देने वाले पवन सिंह और कल्पना पटवारी भी बीजेपी का दामन थामकर युवाओं को पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस भोजपुरी गाने से धमाल मचाने वाले सिंगर पवन सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि दुनिया भर में पहचान बना चुके पवन सिंह सियासत में एंट्री करेंगे। मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद पवन सिंह तीसरे ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका संबंध भोजपुरी सिनेमा से है और जो भगवा के रंग में रंग चुके हैं। बीजेपी की तरफ से दलील दी गई कि बिहार में अपनी धाक जमाने वाला ये सितारा भोजपुरी बेल्ट के वोटर्स को अपने पाले में मोड़ सकता है। इस तरह कल्पना पटवारी नाम की भोजपुरी सिंगर भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कभी राजनीतिक मंचों से दूर रहने का दावा करने वाली इस भोजपुरी क्वीन ने पिछले साल अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। हालांकि अब तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था जिससे बीजेपी को इन दोनों भोजपुरी सितारों का राजनीतिक फायदा मिला। अब लोकसभा चुनाव है तो बहुत मुमकिन है कि वोट बटोरने के लिए सितारों की लोकप्रियता और ग्लैमर का भरपूर उपयोग किया जाए। टीम न्यूज नेशन।
उधर सपना चौधरी सियासत में एंट्री करेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस कायम है। 3 दिनों तक चर्चा में रहने के बाद सपना चौधरी ने राजनीतिक भविष्य का ऐलान नहीं किया है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सपना चौधरी भी भोजपुरी सिनेमा में किस्मत आजमा चुकी हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ एक और सेलिब्रिटी का नाम जुड़ गया है। बिग बॉस फेम अर्शी खान ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब देखना होगा कि कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन अर्शी से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। कभी बिग बॉस के घर में मचाई धूम तो कभी अपनी बातों से बटोरी सुर्खियां, लेकिन अब अर्शी खान हाथ के साथ है। एक्ट्रेस और मॉडल अर्शी खान भी कांग्रेस के खेमे में शामिल हो चुकी है। अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर अर्शी अब कांग्रेस के मंच से पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और पार्टी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अब शिद्दत से इस मिशन में जुटेंगे। और अपने तरीके से देश को किस तरीके से चलाना है या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म करनी है, तो मैंने इसलिए ये ज्वाइन किया। अर्शी खान पहली बार साल 2014 में सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मिस ग्लोरी अर्थ का खिताब जीता था। इसके बाद वो कई बार अपने बोल्ड और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रही। अर्शी ने 2017 में बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी, जिसके बाद अपने अंदाज के लिए वो काफी फेमस हुई। शो के हिट होने में भी अर्शी का बड़ा हाथ था। बता दें कि अर्शी खान ने कांग्रेस की सदस्यता बीते 28 फरवरी को ली। अर्शी के स्टारडम का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है और अर्शी पार्टी के लिए क्या योगदान करती है, इसका पता तो चुनाव के नतीजों के बाद ही चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।